वो वर्ल्ड, वेलकम टू अमेजिंग सुंदर इंडिया। ये पहला वीडियो है जो मैं श्रीलंका में कर रही हूँ, और आयु बोवन का मतलब मैं पहले ही सिखाती हूँ, क्योंकि आज से मेरा जो भी प्रोग्राम होगा उसी में सबसे पहले आयु बोवन बोल के जाएंगे। तो आयु बोवन मतलब आयु बोहो वेवा, मीन्स समबडी इज ब्लेसिंग यू, लिव लॉन्ग लाइफ। अभी नमस्ते कैसे होता है, लाइक नमस्कार, नमस्ते, वेलकम, लेकिन सेम वे कि आयु बोवन भी वैसे ही किसी को मिलते वक्त आयु बोवन मतलब लॉन्ग लाइफ। तो आप सोचते होंगे मैं ये पूरा व्हाइट पहन के और व्हाइट बैकग्राउंड में ये कहाँ हूँ मैं। आज का टॉपिक है पोए डे। पोए डे का मतलब क्या है? पोए डे मीन्स फुल मून पोए, फुल मून डे। श्रीलंका में ये हर महीने का फुल मून पोए डे बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं, क्योंकि हर मून फुल मून पोए डे में कुछ ना कुछ इवेंट हुआ है लॉर्ड बुद्धा का, और उसी में कोई कनेक्शन है। मुझे ऐसा चीज बताना चाहिए कि श्रीलंका में सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट है, मैक्सिमम बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, और साथ ही साथ हमारा हिंदू दोस्त भी है और क्रिश्चियन दोस्त भी है और मुस्लिम दोस्त भी है। और ये मैक्सिमम जो बुद्धिस्ट लोग हैं ना, उसके वजह से हमारा वो पोए डे से पूरा कंट्री को छुट्टी रहते हैं। वो छुट्टी किसके लिए दे रहे हैं? रिलीजियस काम पे लगने के लिए। तो आज मैं एक टेम्पल के अंदर आए हुए हैं, मुझे दिखाना चाहिए। यहाँ पे लोग टेम्पल में आते वक्त हम हमेशा व्हाइट पहनते हैं, हम कुछ और कलर नहीं पहनते हैं, क्योंकि ना हम लोग एक्चुअली लॉर्ड बुद्धा का फिलोसफी जो है वो पूरा माइंड का होता है। तो हम लोग कुछ फैंसी कपड़े वगैरह पहन के आता है ना, तो दूसरे का मेडिटेशन या उनका मन ना खराब होता है या हिल जाता है। तो इसीलिए हमको दूसरे को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए हम लोग ऐसे व्हाइट पहन के। जो लोग को मेरे चैनल के बारे में बहुत कुछ नहीं मालूम है, मुझे ये बताना है, मैं इंडिया में रहती हूँ लेकिन श्रीलंका भी आए हैं छुट्टी के लिए। मेरा चैनल एक्चुअली सिंहलीज में होता था, लेकिन अभी मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, सो दैट मेरा इंडियन फ्रेंड्स को श्रीलंका के बारे में बहुत कुछ सीख सकता है और पता कर सकता है। तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर किया है, बहुत शुक्रिया। और अगर ये आपका पहला वीडियो है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और कमेंट कर लीजिए क्या आपको देखना पसंद करते हैं श्रीलंका के बारे में, और मैं आपको हिंदी में बताने वाली हूँ सब कुछ। तो आज का टॉपिक है पोए डे एंड व्हाट वी आर डूइंग हियर, हम लोग यहाँ क्या करते हैं और पोए डे में टेम्पल्स में। चलो,
तो दोस्तों हम लोग अभी पूजा करके हो गया। इट वॉज अ कोइंसिडेंस कि कल मेरा लैंड हो गया था प्लेन और आज पोया डे निकले, और मुझे ऐसे लगा कि इससे ज़्यादा कौन सा मौका अच्छा होगा कि टेंपल भी आपको दिखा सकते। तो मैं नॉर्मली यहाँ आने के बाद मैं टेंपल में जाती हूँ। तो पहले कैसा है, मैं हफ्ते में एक एक वीडियो कर देती थी, अभी एस एंड वेन वीडियो तैयार होते हैं मैं रिलीज करते रहती हूँ। स्टे ट्यून्ड, अमेजिंग सुंदर इंडिया हमेशा आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आते हैं। जल्दी वापस मिलेंगे, बाय।